हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? अच्छे हो? चलो तो आज हम अभी टाइम एंड वर्क का क्लास कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क में आज जो होगा वो फोर्थ क्लास होगा आपका। दोस्तों मैं एक चीज आपसे कह दूं कि अगर ये ट्रिक अच्छा लगे और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये चीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, जिससे कि ये मुझे पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो मैं सही जा रहा हूँ, नहीं तो मैं दूसरा भी ट्रिक दे सकता हूँ। फिलहाल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एलसीएम मेथड से पढ़ा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 20 दिन में अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा टाइम एंड वर्क का फोर्थ डे है। आज जो है यह पार्ट फोर चौथा दिन है, और आपने अभी तक अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देखने से क्या होगा आपका ये अच्छी से समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, कहता है एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए जो है वह 20 डेज में कर लेता है किसी काम को, और बी जो है वह 30 डेज में पूरा करते हैं, अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और ये 20 की 60 और ये 30 दूरी 60, यानी ए जो है वह एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है वह एक दिन में 2 काम कर लेता है। ये जो है आपको 2 कुर्सियां बना सकता है एक दिन में, और ए जो है एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, और बी जो है यह 2 कुर्सियां बनाता है, कोई काम को ये कर रहा है। अब देखिए क्या है कि ये दोनों अगर 7 काम करें तो एक दिन में 5 काम होगा, यानी कि अगर कुर्सी बना रहा है तो मान लीजिए तो ये क्या करेगा एक दिन में 5 कुर्सियां बनाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि मेरा टोटल काम कितना है 60, और एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल काम 60 है, तो इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे, आ गया 12, यानी कि 12 डे में ए और प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो 12 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या है, मेरा जो है 12 दिन में खत्म कर रहा है। अब कर रहा है कि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 7 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष काम 10 दिन में करता है। अब कह रहा है कि आपको देखिए तो काम कितना बचा, आप क्या करेंगे कि ए और प्लस बी 12 दिन में ये टोटल काम कर सकता है, लेकिन किया कितना 7 दिन। अब देखिए कह रहा है कि 12 काम था मेरा और किया कितना 7 दिन, तो बच गया कितना 5 दिन, 5 दिन का काम बच गया। अब क्या है कि ये 5 दिन का काम सी कितना दिन कर रहा है शेष काम जो है, शेष काम 5 दिन का है और शेष काम सी कर रहा है 10 दिन में, यानी 5 दिन का काम सी जो है वह 10 दिन में कर रहा है, 5 दिन का काम 10 दिन में कर रहा है, यानी कि 5 × 10 दुगुना हो रहा है। तो 12 दिन का काम कितना दिन में करेगा है? दुगुना कर देंगे 24 दिन में, यानी सी जो है सी अकेला इस कार्य को कितना दिन पूरा करेगा, तो सी जो है इसको 24 दिन में पूरा कर लेगा। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, जो ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी जो है 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम मेरा 60 हो गया। एलसीएम जो हम लेते हैं एलसीएम, ये मेरा पूरा काम होता है और एक दिन में कितना काम करेगा इसको हम निकाल लेते हैं,
एक भी दोनों मिल करके अगर काम करे तो एक दिन में 5 काम होता है, और ये जो है ए और बी पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। अब कह रहा है कि 12 काम है मेरा और 7 दिन काम जो है ये कर देता है, 7 दिन बाद दोनों काम छोड़ देता है। तो 7 दिन काम करता है तो 5 दिन का काम बचा हुआ है जो सी 10 दिन में करता है, 5 दिन का काम 10 दिन में किया तो 12 दिन का काम 24 दिन में करेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो रेलवे के या किसी भी एग्जाम में कहीं न कहीं ये पूछा हुआ है, और ALP टेक्नीशियन में जो अभी इस बार एग्जाम हुआ उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आया है, इससे एक भी क्वेश्चन उसमें बाहर नहीं गया है। तो आप इस ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल BVI है, इस सबको आप अच्छी तरह से देख लो, ग्रुप डी में ये जरूर काम आएगा और भी एग्जाम में ये काम आएंगे। तो आगे हम आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैसे इसको हम बनाएंगे। कह ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी और सी इसको 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी जो है वह 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी जो है वह 12 दिन में ये कार्य को खत्म कर देते हैं। अब क्या है, बी और सी जो है इसको 16 दिन में करते हैं, ये है बी और सी 16 दिन में करते हैं। अब जो है इसका क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 16 का एलसीएम जो हो जाएगा वह हम निकाल भी लेते हैं। 12 और 16, 4 से 4 किया 12, 6 का 16, 4 किया 12, 5 48, 48 हो गया आपका ये। अब 12 चौक 48 और 16 किया 48, अब क्या हो गया कि ए और बी टोटल काम 12 दिन में खत्म कर लेता है और बी और सी 16 दिन में। ये टोटल काम जो मेरा हो गया, ये टोटल काम 48 है आपका। ये जो एलसीएम हम लेते हैं, ये जो है एलसीएम, ये मेरा टोटल काम हम निकलता है, और ये चार एक दिन में 4 काम कर सकता है ए और बी मिलकर के, और बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर सकता है। तब ये अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका आगे क्वेश्चन है ए जो है नोट करेंगे, ए क्या कर रहा है, 5 दिन कार्य करता है ए 5 दिन, बी 7 दिन, बी जो है वह 7 दिन काम करता है, सी शेष कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, सी जो है वह 13 दिन में शेष कार्य को पूरा करता है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब कह रहा है ये पूरे काम को ये अकेला कितना दिन में करेगा। तो आइए अब देखिए क्या करना है कि ए और बी यहाँ पे 7 काम कर रहा है और बी और सी यहाँ पे 7 में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ए जो है वह 5 दिन काम करता है, इसी तरह हम क्या करेंगे, बी जो है वह 7 दिन काम कर रहा है, तो इसके साथ ए के साथ ये क्या करेगा, ए और बी 7 में काम कर रहा है तो ए के साथ हम इसको 5 दिन का काम करवा देंगे, तो बचेगा मेरा कितना, 2 दिन का काम। अब बी और सी भी 7 में काम कर रहा है तो सी को क्या करेंगे, इसका जो 2 दिन का बचा काम है उसके साथ हम 2 दिन करवा देंगे, ये करता है 13 दिन काम, तो बचेगा इसका कितना काम, 11 दिन का काम इसका इधर अकेला करेगा। और अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो इसको ए जो है वह 5 डे किया, बी जो है 5 डे प्लस 2 डे, और सी जो है वह 2 डे प्लस 11 डे काम किया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सी से शेष कार्य को, अब मेरा टोटल काम कितना है, 48, अब इसको हम जोड़ देंगे। देखिए अगर बी ए और बी 5 दिन काम करा रहे हैं, ए बी को हम 5 दिन काम करा रहे हैं, 5 दिन, एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन में 5 गुने
चार काम करेगा, और आप देखिए बी और सी साथ में दो दिन काम कर रहे हैं, तो बी और सी एक दिन में तीन काम करता है, तो दो दिन में प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री। और उसके बाद सी जो है वह 11 दिन काम करता है, लेकिन ये सी एक दिन में कितना काम करेगा ये तो हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 11 डे जो है इसको हम सी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सिंबल के रूप में बराबर मेरा टोटल काम कितना है, ये क्या हो गया कम है 48, तो ये 48 हो गया। अब क्या है पंचों का 20 और तीन दूरी 6, 26 26 प्लस 11 सी बराबर 48, यानी कि अब इसको हम क्या करेंगे बॉर्डर पार कराएंगे और 48 में से घटा देंगे 26 को, तो 48 में से हम 26 जब घटाएंगे तो 2 22। अब देखिए 11 सी बराबर 22, तो सी बराबर 2, यानी सी जो है एक दिन में सी जो है दो काम करेगा, एक दिन में दो काम कर रहा है। आपका कह रहा है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो देखिए टोटल काम जो है मेरा 48 है, एक दिन में सी दो काम कर रहा है, तो दो से हम भाग दे देंगे और ये निकल जाएगा आपको 24 दिन, तो सी जो है वह अकेला 24 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा, सी जो अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में करते हैं, एलसीएम निकालिए, एक दिन का काम निकालिए। उसके बाद देखिए ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, बी और सी भी साथ में काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो काम किया है इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, यहाँ पे बी निकाल चुके हैं इसीलिए हम इसको अरेंज करते हैं, तो ए को बी के साथ हम काम करवाएंगे, तो ये 5 दिन कर रहा है यहाँ पे, तो बी भी जो है 5 दिन करा देंगे, इसका 2 दिन का जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। फिर सी के साथ जो है बी और सी साथ में काम कर रहा है, तो बी को सी के साथ काम करवाएंगे, तो 2 दिन का ये काम जो है ये बचा हुआ काम 2 दिन करेगा और शेष काम 11 अलग कर लेंगे। और इसके बाद हम ये 5 दिन ए बी जो है 5 दिन साथ में काम कर रहा है, तो 5 दिन काम कर रहा है, एक दिन 4 काम करता है, ये 20 काम किया। उसके बाद बी और सी साथ में 2 दिन कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में 6 काम करेंगे, और ये 11 दिन सी जो है अकेला करता है, और सी एक दिन कितना काम करता है ये तो हम जानते नहीं, इसीलिए हम ये 11 सी लिख लेते हैं, और बराबर टोटल काम मेरा जो है ये 48 है, बराबर हम 48 कर देते हैं, और इसको फिर सी बराबर हम 2 काम निकाल लेते हैं, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ये पूरा 48 काम ये कितना दिन करेगा 24 दिन में, तो सी इस काम को 24 दिन में कर लेता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको अगर समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन लिख करके दें, हम उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है ए और बी पूरा कर सकता है, ए और बी जो है वह एन दिनों में करता है, ए प्लस बी ये जो है एन डे में कर लेता है। चलिए अब कह रहे यदि ए इस कार्य को अकेले एन से 8 दिन अधिक में पूरा कर सकता है, ए जो है अकेले अगर करता है तो एन प्लस 8 डे में इस कार्य को करता है, और बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में एन से 9/2 दिन अधिक लेता है, कह रहे बी जो है वह कार्य करे, बी अगर कार्य करे तो वह एन से 9/2 डेज अधिक लेता है। अब क्या कह रहा है कि तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन
देव जी हैं, ये हमें कमेंट करके सेंड किए हैं, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला पे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला पे बनाते हैं। अगर आप प्रोसेस से इसको बनाते हैं तो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, जो कि एग्जाम में आपको ये 2-3 मिनट ले लेगा। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला पे बनाते हैं कि एन बराबर जो होता है वह रूट एंडर, ये जो बढ़ा हुआ कम है 8 दिन और 9/2 डेज, तो 8 × 9/2 4 × 8 और ये जो है 9 × 36, ये जो है एन वह 6 डेज में एन इज कर दू आपका जो निकला वह 6 निकल गया। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये बनेगा बिल्कुल 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड कैसे बनेगा ये देखिए, आपको ये समझा रहे हैं और आप जब समझ जाएंगे तो बिल्कुल 2 सेकेंड में बनेगा। ए ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद छोड़ दिया, ठीक है। ए जो है वह 2 दिन काम किया, 2 दिन किया और छोड़ दिया, ठीक। ए जो है वह 2 दिन करता है और बी शेष काम को 9 दिन में समाप्त कर देता है। बी जो है वह 9 दिन में शेष काम को समाप्त कर देता है, मेरा एक काम खत्म। ये 2 दिन करता है, ये 9 दिन में करता है और जो काम है वो खत्म। काम को हम एक मानते, एक कोई काम है जिसको ये खत्म कर देता है। अब कह रहा है यदि एक काम 3 दिन के बाद छोड़कर, यदि एक जो है वह 3 दिन के बाद छोड़कर जाता है तो बी शेष काम को 6 दिन में कर देता है। बी जो है वह 6 दिन में कर लेता है, तो कितने दिनों में बी अकेले काम कर सकता है। अब हमको पूछ रहा है बी बराबर जो ये कितने दिन में अकेला कर सकता है। तो ये देखिए अब ये क्या किया है, 2 से 3 + 1 किया है, यह 1 दिन ज्यादा काम करता है। ए जो है वह 1 दिन ज्यादा काम करता है तो बी जो है वह 3 दिन कम काम करता है, यानी इसके 1 दिन के बराबर, बी के 3 दिन के बराबर, यानी कि 1 a = 3 b। अब ये हमको ये निकल गया यहां से, ये जब यहां से निकल गया तो हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू इसमें या इसमें किसी में पुट कर देंगे हम। तो ये देखिए आपका 2a + 9b है और 1a = 3b, तो 2 × 3b + 9b इसको 6b + 9b = 15b, यानी बी जो अकेला है इसको 15 दिन में कर सकता है। अच्छा मनीष जी पूछ रहे हैं कि सर ये इसको जो है थोड़ा दूसरा तरीका से बताइए, तो आप देख लीजिए। अब क्या है कि आप कोई काम जो है एक माना जाता है, काम एक माना जाता है, ये 2 दिन ये 9 दिन में एक काम को खत्म कर देता है, ये 3 दिन में 6 दिन में एक काम को खत्म कर देता है। आप क्या कीजिए 2a + 9b = 3a + 6b बराबर, दोनों का राइट साइड बराबर है तो हम लेफ्ट साइड को बराबर कर सकते हैं। अब क्या कीजिए 2a और ये 3a है तो इसको 2a को सीमा तरपा दीजिए, तो 3a में से 2a को घटा दीजिए। अब क्या है 9b है, उसको सीमा इसे इधर ले आइए तो -6b, तो क्या हो जाएगा 3b = 1a आ गया। तो इसको इसमें या इसमें डाल के हम पुट कर देंगे तो मेरा 15b यानी कि 15 दिन में बी जो है वह 15 दिन में कर सकता है। इसी तरह अगर हम बी का वैल्यू निकाल रहे कि 1/3a, बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए भी निकाल सकते हैं, ए कितना दिन में काम कर सकता है। तो इसको हम वहां पे फटाफट बना लेंगे, वहां पे हमको
गत एग्जाम में हमको जल्द से जल्द बनाना है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ये 3 डे का अंतर है दोनों में, इधर एक दिन, ए में 1 दिन का है, बी में 3 दिन, यानी ए जो है वह 2 से 3 दिन, यानी 1 दिन ज्यादा काम किया तो बी का काम कितना दिन घट गया, 3 दिन का, 9 दिन करता था तो उसके बाद 6 दिन किया, 3 दिन घट गया, इसीलिए हम एक ए बराबर 3 बी लिख देते हैं और इसको इसमें पूर्ण कर देंगे, ये मेरा आंसर निकल गया, बी अकेला 9-15 दिन में कर सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है मैं कि ए और बी एक साथ काम करके 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी जो है वह 24 दिन में किसी काम को कर देते हैं, ए अकेले 32 दिनों में पूरा कर सकता है, कह रहा है कि ए जो है अकेला वह 32 दिन में कर सकता है, अब दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया और फिर ए ने कार्य को छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिनों की संख्या, यानी कि 20 शेष कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो 24 और 32 का एलसीएम आपको 96 हो जाएगा, ठीक है, हम निकाल लेते हैं 24 और 32, ये देखिए 8 से 8 3 24, 8 4 32, 4 12 12 96, तो आपका जो हो जाएगा 24 4 96 और 32 3 96, यानी ए और प्लस 4 एक दिन में 4 काम कर लेगा और बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो आपका कह रहा है कि ए अब जो है दोनों ने 8 दिनों तक साथ काम किया, अब देखिए दोनों अगर मिलकर के दोनों यानी कि ए और बी मिलकर काम कर रहा है, तो ए बी मिलकर के जो काम कर रहा है तो कितना दिन काम किया, 8 दिनों तक काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर काम कर रहा है 1 दिन में 4, तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 × 4 यानी 32 काम करेगा, प्लस शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा, अब देखिए 32 काम तो इस साथ किया है, उसके बाद शेष कार्य जो बच रहा है वह बी जो है वह डी दिन में करता है और टोटल काम जो मेरा है 96 है, अब बी डे बराबर 96 माइनस 8 × 32, इसको घटा देंगे, ये 4 6 64 आ गया, यानी कि बी जो है आपको वह 64 डेज में बचा हुआ काम को कह रहा है कि शेष कार्य को बी शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी कितने दिन ले गया, तो बी जो है शेष कार्य को करने में 64 लेगा, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी 24 दिन में ए 32 दिन में कर सकता है, एलसीएम ले लिया, यानी कि 96 मेरा पूरा काम हो गया और ये ए और बी 4 काम 1 दिन में कर सकता है, ए जो है 1 दिन में 3 काम कर सकता है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 8 दिनों तक काम किया तो 8 × 32 एक दिन में 4 काम, तो 8 दिन में 32 काम कर सकता है, उसके बाद शेष काम जो बच गया वो बी करेगा, तो टोटल काम जो हो गया मेरा इतना और ये 96, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो बी जो है शेष काम को 64 दिनों में कर सकता है। हाय फ्रेंड, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं एजुकेशन इंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन होगा उसे दबा दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।